नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम बात करेंगे माँ काली पूजा और साधना से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के ऊपर, जो बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं, ऐसे सूक्ष्म रहस्य हैं जो आपके मंत्र जप की ऊर्जा को कई गुना अधिक प्रभावी बना देते हैं। और ये सूक्ष्म बारीकियाँ भक्ति मार्ग में और साधना के मार्ग में निरंतर अभ्यास से प्राप्त अनमोल अनुभव हैं, जो आपके जब तप की ऊर्जा को कई गुना अधिक बढ़ा देते हैं। सभी के लिए अमूल्य जानकारी है, और विशेषकर जो माँ की नित्य पूजा में, उनकी साधना में अभी नए हैं, और इसके अलावा जिन लोगों को उनके पाठ का, उनके मंत्र का, जब तप का प्रभाव नज़र नहीं आ रहा, उन सभी के लिए भी ये बहुत ही अमूल्य जानकारी है। पहली बात, जब भी आप माँ के मंत्रों का जप कर रहे हैं तो सर्वप्रथम पूजा जब आप माँ की प्रारंभ करेंगे तो सर्वप्रथम माँ की महिमा से मंडित कोई भी धार्मिक पुस्तक आपको अवश्य पढ़नी है। कोई भी एक पाठ आपको सस्वर करना है, अर्थात हल्के उच्चारण के संग अवश्य करना चाहिए। चाहे आप माँ दुर्गा का पाठ करें या माँ काली का पाठ करें, दोनों एक ही हैं। दोनों में से किसी भी एक का पाठ आपको हल्के उच्चारण के संग अवश्य करना चाहिए। और इनमें भी जो दुर्गा सप्तशती है, इनका कोई भी एक पाठ आप करें, उसके बाद अपने मंत्रों का जप करें। और दुर्गा सप्तशती के जो विभिन्न पाठ हैं, दुर्गा सप्तश्लोकी है, चंडी कवच है, अर्गला स्तोत्र है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, इनमें से कोई भी एक पाठ करें और निरंतर करें, उसके बाद आप अपने मंत्रों का जप करें। पुस्तक को प्रणाम करके, जो दैवीय शक्ति इसके अंदर निहित है, उसका आह्वान करके, माँ दुर्गा माँ काली का आह्वान करके पाठ करें और फिर अपने मंत्र का जाप करें। ये जो पुस्तक है, ये माँ की शक्तियों से युक्त एक बहुत ही गहन और चमत्कारी ग्रंथ है। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक नहीं है तो दुर्गा चालीसा या काली चालीसा का आप पाठ करें, माँ के कवच इत्यादि का पाठ करें, उसके बाद मंत्र जाप करें। तो इसके पीछे दो कारण हैं। सबसे पहला कि दिव्य ग्रंथ की ऊर्जा और उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। माँ की ऊर्जा से आपका एक कनेक्शन तुरंत स्थापित हो जाएगा और मंत्र जप आपका अधिक प्रभावी होगा। और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कारण इसके पीछे है कि जब हम नित्य माँ की पूजा करते हैं, पंचोपचार पूजन जब माँ का करते हैं अपने घर के मंदिर में, तो माँ की जो मूर्ति या तस्वीर है वो प्रकट रूप में जो है, तो हम भौतिक स्वरूप से स्थूल रूप में भी पूजन करते हैं। अर्थात माँ को हम धूप दीप अक्षत या जो भी भोग लगाते हैं वो प्रकट रूप में लगाते हैं, स्थूल रूप में लगाते हैं, इस भाव के संग कि माँ ये सब देख रही है और माँ इनको ग्रहण कर रही है। तो इसी भाव के संग हम हल्के उच्चारण के संग पाठ, एक कोई ना कोई पाठ नित्य अवश्य करें, और इस भाव के संग कि माँ ये सब सुन रही है, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार माँ हमारे भोग आदि को ग्रहण करती है, उसी प्रकार माँ हमारे सस्वर पाठ आदि का भी श्रवण अवश्य करती है। और ऐसा करने से आपके आसपास अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है वो हट जाएगी। कोई भी ब्लॉकेज है, कोई भी रुकावट है जो आपके और माँ के संबंध के बीच में आ रही है, उसे बाधित कर रही है, तो वो नष्ट हो जाएगी। और उसके बाद आप जो भी मंत्र जाप करेंगे वो कई गुना ज़्यादा प्रभावी होगा, कई गुना ज़्यादा फलदायक होगा। दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप मंत्र जब पूरा कर लेते हैं, जो भी आपने संख्या बोली थी उस हिसाब से जब आप मंत्र कर लेते हैं प्रत्येक दिन, तो उसके बाद बिना माला के उस मंत्र का 5 से 10 मिनट तक मानसिक जप करेंगे। और मानसिक जप कैसे करेंगे? बिना माला के, यानी माला से तो आपने किया है, वो भी मानसिक जप आपने किया है, लेकिन बिना माला के मानसिक जप करेंगे। और इस समय बिना माला के आज्ञा चक्र में आप फोकस करेंगे और माँ के सौम्य स्वरूप को वहाँ पर विजुलाइज करेंगे अपने आज्ञा चक्र पे। इस भाव से अपने आज्ञा चक्र पर फोकस करेंगे कि माँ के सौम्य स्वरूप की मूर्ति वहाँ स्थापित है। तो इस तरह से जब आप विजुलाइजेशन करते हैं तो माँ की ऊर्जा वहाँ पर आपके आज्ञा चक्र पर स्थापित हो जाती है, और तब जब आप मानसिक जप करते हैं तो उसका कई गुना ज़्यादा प्रभाव होता है। इसका एक और लाभ ये भी है कि जब आप बिना माला के उसी मंत्र जप को करते हैं ध्यान करके, तो एक बहुत ही गहन ध्यान की स्थिति में आप धीरे धीरे पहुंचने लगते हैं। नित्य अभ्यास करें इस चीज़ का, तो आगे चल के आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर बहुत ज़्यादा लगने लगेगा और एक बहुत ही आनंद की अनुभूति आपको होगी। एक ऐसे आनंद की आपको अनुभूति होगी कि आप स्वयं ही जो ध्यान की स्थिति में आप मंत्र जप कर रहे हैं, जो उसकी अवधि है, उसको आप बढ़ा देंगे। पहले 5 से 10 मिनट कर रहे हैं, उसके बाद ये अवधि आप 15, 20 मिनट और आधा घंटा भी कर सकते हैं।
ये एक बहुत ही श्रेष्ठ तरीका है, बहुत ही शक्तिशाली तरीका है माँ की ऊर्जा को अपने अंदर स्थापित करने का, अपने आज्ञा चक्र में स्थापित करने का और अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का, काली तत्व को जागृत करने का एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। तीसरा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है कि मंत्र जप आप जो भी कर रहे हैं वो संकल्प लेकर करें। देखिए मंत्र जप की स्वयं की शक्ति होती है, साथ ही संकल्प की शक्ति जब इसके संग जुड़ जाती है तो कई गुना ज़्यादा मंत्र का प्रभाव होता है। कोई भी कार्य जब हम एक संकल्प के संग करते हैं कि हमें इतने दिनों में ये कार्य संपूर्ण करना है, तो हम अपनी पूरी क्षमता से उस कार्य को करते हैं, हमारे अंदर की पूरी एनर्जी, जो भी हमारी ऊर्जा है वो उस कार्य की संपूर्णता में लग जाती है। तो इसी प्रकार जब हम संकल्प लेकर कोई भी मंत्र जप करते हैं तो मंत्र का प्रभाव अधिक होगा, कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो हमारा मंत्र जप है वो हमारे इष्ट तक तुरंत पहुँचेगा। और एक बहुत ही खास कारण इसके पीछे ये भी है कि जो हमारा आज्ञा चक्र है वो और ऊर्जावान होगा। वो कैसे? क्योंकि जो आज्ञा चक्र होता है हमारे अंदर वो संकल्प शक्ति से कनेक्टेड होता है, संकल्प शक्ति का सीधा संबंध हमारे आज्ञा चक्र से होता है, स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड डिटर्मिनेशन का चक्र है। जब आज्ञा चक्र सक्रिय होता है संकल्प लेने से तो साधना में सफलता निश्चित मिलती है, स्वाभाविक मिलती है। साथ ही हमारा आज्ञा चक्र हमारे जो नीचे के अन्य चक्र हैं उनको कंट्रोल करता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारे नीचे के चक्रों में पहुँचाए जाते हैं वो आज्ञा चक्र के द्वारा पहुँचाए जाते हैं। तो संकल्प जब हम लेते हैं तो एक संकल्प का जो डिटर्मिनेशन है, एक हमारी इच्छा शक्ति है, ये भाव हमारे अन्य चक्रों पर पहुंचता है तो सभी चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं उस पर्टिकुलर कार्य को, उस विशेष कार्य को करने के लिए। उस मंत्र साधना से कनेक्ट हो जाती है अन्य चक्रों की ऊर्जा भी, वो ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और इस तरह से जो हमारा मंत्र जप है वो ज़्यादा प्रभावी होता है। और चौथा बहुत ज़रूरी पॉइंट जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि समय समय पर जो भी आप मंत्र कर रहे हैं, पाठ आदि कर रहे हैं, समय समय पर हवन करते रहें। छोटा सा हवन करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 108 मंत्रों की ही आहुति देनी है या 51 मंत्रों की ही आहुति देनी है। सामर्थ्य अनुसार आप 11 आहुति, 21 आहुति कम से कम दे सकते हैं और समय है, आपका सामर्थ्य है तो अधिक दें, वो तो बहुत ही अच्छा है। तो जो ये हम आहुतियाँ देते हैं अग्नि को हवन में, तो ये सीधा हमारे देवता तक पहुँचता है, क्योंकि जो पवित्र अग्नि होती है हवन की, यज्ञ की, इसे देवताओं का मुख कहा गया है और ये एक बहुत ही सशक्त माध्यम है हमारी, हमारे भोग को, जो भी हम नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं देवताओं को, जो भी हम भाव अर्पित कर रहे हैं अपने देवता को, अपनी माँ को, वो उन तक तुरंत पहुँचता है। तो समय समय पर जो भी मंत्र जप आप कर रहे हैं उसके निमित्त एक छोटा सा हवन जरूर करते रहें, हफ्ते में एक बार कर लें, दो बार कर लें और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये कुछ विशेष जानकारी थी दोस्तों, जिनका प्रयोग करके अपने मंत्रों की शक्ति को, मंत्र जप की ऊर्जा को कई गुना ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।